हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आंवले का जो तेल होता है वो आप घर में कैसे बना सकते हैं। जब घर में आप बनाएंगे तो केमिकल फ्री, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर उसमें, फ्रेग्रेंस उसमें नहीं होगी, एकदम नेचुरल तरह से आप ये बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 kg ऑफ आंवला लिए हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो उनको आपको धो के अच्छे से पहले वॉश कर लेना है कि उनका पानी एकदम से सूख जाए, और उनको पीसेस में कट कर लेना है अच्छे से इस तरह से। आंवला फ्रेंड्स हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आंवले को एक अमृत फल माना जाता है क्योंकि हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। हर तरह से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, बालों की रीग्रोथ के लिए, और बालों को नेचुरल तरह से काला करता है, सफ़ेद होने से बचाता है। तो इस तरह से आप उनको पीसेस को कट कर लेना है, और हाफ ऑफ द आंवला के पीसेस जो है मैंने धूप में उनको सुखा लिया है अच्छे से। इस तरह से आपको सुखा लेना है, और इसका आपको एक फाइन पाउडर बना लेना है। चलिए बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पाउडर है वो तैयार हो जाएगा, और इसको आपको एकदम ड्राई किसी बर्तन में निकाल के या किसी बॉटल में आपको इसको स्टोर कर लेना है। इसका क्या यूज़ करना है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट हम जो हमारे बचे हुए आंवला थे हम उनको भी मिक्सर में अच्छी तरह ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको जितना हम पेस्ट ले रहे हैं उस उतनी ही मात्रा में हमें कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। मैं पैराशूट का यूज़ करती हूँ, आप जो भी ब्रेड यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। इसकी जगह अगर आप चाहते चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। जिस तरह से जैसे 250 ग्राम आंवले का पेस्ट मैंने लिया है, तो 250 ग्राम ही आपको कोकोनट ऑयल या फिर तिल का तेल लेना है। अगर आप चाहें तो दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मीडियम फ्लेम पे करीब 20 मिनट्स तक पकाना है, जब तक ये जो आपका आंवले के पीसेस हैं ये एकदम आपके सूख ना जाए और इनकी जो रस है वो ऑयल में मिक्स ना हो जाए। तो आपको ऑलमोस्ट एकदम स्लो आंच पे पकाना है, जलना नहीं चाहिए ये तेल। तो जब उसका आंवले का जो पानी है वो सूख जाएगा और इस तरह से आपका आंवला ड्राई हो जाएगा। तो फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, और जब ठंडा हो जाए तो आप इसको किसी भी कांच की बॉटल में आपको इसको छान लीजिए। आपका इस तरह से आंवले का तेल आपका तैयार है। अब जो हमने पाउडर बनाया था उसका हमें क्या करना है, उस पाउडर को हमें क्या करना है, रोज़ रात में 1 glass पानी में 1 teaspoon ऑफ आंवला पाउडर को डाल के रख देना है, और यही पानी जो है वो सुबह हमें उठकर खाली पेट जो है वो हमें लेना है। तो इससे आप आंवले के बेनिफिट जो है आपको इंटरनली भी हो जाएंगे, और आप ऑयल यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आपको अंदर से भी आपकी बॉडी इम्यून होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आप इसका पानी आपको डेली लेना है। और जब आप दोनों यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे, और इस ऑयल को आप 1 year तक स्टोर करके रख सकते हैं, और आपको वीक में 2 times इसको यूज़ करना है।